गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम एक्सरसाइज 54 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 और 2 पिछले क्लास में हो गया है, आज हम 3rd, 4th और 5th बताते हैं। 3rd का ए में है ₹20.10 × 3, यानी कि ₹20 एंड पैसा 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 0 से किए तो 0, 3 बन जा 3, यहाँ पॉइंट है पॉइंट डाल दो। 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 अब 7, तो ₹72.30, यानी कि आंसर हुआ बच्चों ₹72 एंड पैसा 32। अगला क्वेश्चन है ₹0.15, इसमें रुपीज नहीं है इसलिए यहां पर 0 लिखे हैं, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 8 को 5 से करेंगे, तो 8 5 जा हमारा 40 होता है, तो यहां हम 40 का 0 4 और 4 क्या हो जाएगा कैरी। 8 1 जा 8 और 4 12 का 2, ये 1 जो कैरी बचा ये हमारा रुपीज में आ जाएगा, तो ये रुपीज हो गया। तो आंसर क्या हो गया ₹1 एंड पैसा 20। ठीक है, 5 का ए है यानी ₹4.35 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 7 को 5 से करते हैं, तो 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 हुआ, 7 3 जा 21 और 21 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 24, 24 का 4 कैरी 2, यहाँ 2 लिखेंगे, 7 4 जा 28 और 2 यहाँ हो जाएगा 30, तो कितना आंसर हुआ ₹30 एंड पैसा 45। तो इस तरह से तुम लोग और भी सारा क्वेश्चन है बनाओगे, जैसे यहां पर है 0.70 को 9 से किए हैं, 900 97 63 का 3 कैरी 6, 900 उसमें 6, ये ₹6 एंड पैसा 30 हो जाता है। तो बच्चों इस सारे क्वेश्चन को बढ़िया से उतारोगे और जो होमवर्क दे रहे हैं उसको भी बनाओगे। और एक और चीज है, जो स्कूल में कॉपी चेक हो रहा है और तुम लोग कॉपी अपने पापा से भिजवाना है, ठीक है, तो चेक करवा के फिर वापस ले जाएंगे, तो इस तरह से रेगुलर चेक होते रहेगा, ठीक है ना। ओके एंड थैंक यू।